and happy new year 2023. Happy new year. So नया साल आ गया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना नया साल हम भगवान के दरबार पे जाके वहाँ से शुरू करें। अभी हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, गुरुद्वारा जो है वांता में है। तो अभी हम पासीला स्टेशन में खड़े हुए हैं, अब हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं और ट्रेन आएगी 4 मिनट में और हम यहाँ से जाएंगे। सो दिस इज़ आर फर्स्ट विजिट टू गुरुद्वारा इन फिनलैंड, पहली बार जा रहे हैं, देखते हैं कैसा रहेगा। एक्चुअली हम लेट हैं बट भाग भाग के आए हैं थोड़ा सा, तो इसलिए हम पहले की अपनी जर्नी की वो बना नहीं सके, तो चलो हमें लगा कि चलो क्योंकि हमारे पास अभी 3-4 मिनट हैं तो हम अपना एक थोड़ा सा छोटा सा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एंड होपफुली वाहेगुरु जी की कृपा से हम हम वहाँ पे पहुँच जाएँ, गुरुद्वारे टाइम से पहुँच जाएँ, दर्शन हो जाएँ और अपनी अरदास वाहेगुरु जी के सामने रखें। और आज धूप भी निकली है फिनलैंड में। हाँ ये चीज आपको, यस 1 जनवरी 2023, यस एंड टेम्परेचर हो रहा है 0 डिग्री पर धूप निकली हुई है, पर 0 डिग्री में भी ठंड इतनी नहीं लग रही है क्योंकि देखो आप देखो मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए ना, मैंने कैप पहनी है पर वाइफ ने पहनी क्योंकि वो थोड़ा सा उसको थोड़ी सी ठंड लग रही है। पहले हमने बस ली पासीला स्टेशन तक, देन हम ट्रेन ले रहे हैं ना। हाँ हमें भी, हम बेसिकली हम रहते हैं ऑलमोस्ट एस्पो वाली साइड के आसपास, पूरा एस्पो भी नहीं है पर वो ऑलमोस्ट एस्पो है हेलसिंकी, बट एट द बॉर्डर ऑफ एस्पो कह लो। हाँ हमारा घर थोड़ा सा ऑपोजिट साइड में था तो हमने पहले एक बस पकड़ी जिसमें हमें 30 मिनट्स लगे, हमें वहाँ पे 30 मिनट्स लगे और हम अब यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ से लगेगा 20-25 मिनट और एंड होपफुली हम टाइम से पहुँच जाएँ वहाँ पे। चलो अब हम आगे मिलते हैं। तो जी ये आ गई है ट्रेन एंड ट्रेन में घुसने के लिए बटन दबाना पड़ता है एंड देन एंट्री करनी पड़ती है। सो अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू केरावा जाना है, केरवो वहाँ पे जाना है एंड वहाँ से उतर के फिर 5-10 मिनट की वॉक होगी एंड देन आपको दिखाएंगे गुरुद्वारा यहाँ का कैसे है। एंड हम यहाँ पे भी थोड़ा सा धीरे बोल रहे हैं बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट दी प्राइवेसी ऑफ अदर पीपल ऑल्सो एंड ताकि हम इतनी ज़ोर से ना बोले ताकि वो डिस्टर्ब ना हो एंड उनकी भी हमें थोड़ी सी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है कि थोड़ा सा वेल बिहेव रहे एंड ज़्यादा तेज तेज ना बोले और पब्लिक में इतना जोर जोर से नहीं बोले ताकि वो उनको डिस्टर्बेंस ना हो। सो गाइज ये है गुरुद्वारा इन फिनलैंड, सो गुरुद्वारा वांता। अब आपको आगे जाके दिखाते हैं कैसा है अंदर। यहाँ आते ही कड़ा प्रसाद की खुशबू आने लग गई है। अभी हम मथा टेकने जा रहे हैं जी। तो अभी हम गुरुद्वारा वांता फिनलैंड में हैं और हम यहाँ पे दरबार में बैठे हुए हैं
तो जी हमारे दर्शन हो गए हैं अब, और हमने लंगर भी चख लिया है, प्रसाद भी चख लिया है, और अब बज रहे हैं शाम के 4 और अभी हम जा रहे हैं घर। तो आज का हमारा दिन बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा फील, और काफ़ी सारे हमारी कम्युनिटी के लोग थे और उनके साथ रह के काफ़ी अच्छा लगा हमें, और अपना अपना सा अपनापन सा फीलिंग सी आ रही थी। पीछे देख रहे हैं वो है आप गुरुद्वारा, हाँ, ऊपर बाबा जी का दरबार और नीचे लंगर लंगर भवन। देख लो 4 बज रहे हैं अभी और अंधेरा स्टार्ट हो गया है फिनलैंड में, क्योंकि यहाँ पे जल्दी अंधेरा हो जाता है, एज यू नो एवरी वन नोज अंधेरा हो गया। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये है, जैसे अभी बताया आपको कि नीचे लंगर भवन है, ऊपर आप देखोगे ऊपर वहाँ पे है बाबा जी का दरबार, यहाँ से मेन एंट्रेंस है, और अब हम जा रहे हैं घर। तो जी इसी के साथ हमारा आज का न्यू ईयर का डे होता है पूरा, एंड नाउ वी आर गोइंग बैक होम। आई होप आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और आपने भी हमारे साथ दर्शन करे होंगे, एंड आई होप यू लाइक इट, एंड दिस इज फ्रॉम अस टू यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। हैप्पी न्यू ईयर, इंजॉय, हैव अ ब्लास्ट, एंड वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, अ सक्सेसफुल न्यू ईयर 2023। इंजॉय गाइज़।